नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइट। हम अभी मौजूद हैं बेली रोड पे, और इस रास्ते पे हम अभी जा रहे थे तो हमने देखा कि एक जो रोड पे सो रहे हैं, मेन रोड पे सो रहे हैं, एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया। चूँकि वो रोड पे सो रहे थे और उसके बाद उनको नींद आई, वो उस साइड गए और बाइक ने उन्हें कुचल दिया। और भी बहुत लोग हैं, जैसे सैकड़ों के संख्या में है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या परिस्थिति है कि आपको रोड पे सोना पड़ रहा है। हमारे पास अपना रहने के लिए घर नहीं है। अगर अपना घर हमारा होता तो हम भी घर में ही रहते, ये रोड पे रहते नहीं। और रिक्शा ठेला चलाते हैं, दिन भर अपना कमा लेते हैं, रात में रोड पे सो जाते हैं खा पी के। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि आप एक खतरे के जगह पे सोए हुए हैं, नींद आएगा, अगर आप उधर गिर जाइएगा तो गाड़ी कोई कुचल देगा, ऐसा आपको नहीं लगता है? बेशक है कि हम खतरे में जी रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई सुविधा नहीं, ना कोई बिजनेस, ना कोई हमारे पास घर, हमारे पास बहुत तकलीफ़ है। इसीलिए हम गरीबी के लाचारी में हालात में हम यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, आपका घर कहाँ है? पटना के ही है? हाँ, कमला नेहरू नगर के लड़का हैं, और हमारे घर में जगह बहुत कम है, इसीलिए हम रोड पे अपना रहते हैं। चाचा देखिए, अगर नींद में है, कभी कुछ होता है, गिर जाएंगे तो क्या होगा? हमने जब वीडियो बनाना स्टार्ट किया, लोगों को जागरूक किया कि आप बीच में नहीं सोइए, बहुत ज़्यादा खतरा है। चूँकि अभी अभी एक एक्सीडेंट हुआ था, तो देख सकते हैं जितने भी लोग हैं अभी रोड क्रॉस करके जा रहे हैं, एक साइड सेफ जोन में जा रहे हैं, सोने के लिए जा रहे हैं। सबसे यही गुजारिश है कि रोड पे ना सोएं। जिसके लिए आप ठेला चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, दो पैसा घर परिवार चलाने के लिए कमा रहे हैं, अगर आप उनके लिए ही आपको कुछ हो जाता है तो क्या होगा? तो जितने लोग आप देख रहे हैं सो रहे थे, वो जा रहे हैं सेफ। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि एक गरीबी को मुद्दा बना के रख दिया है बिहार सरकार, जितने लोग भी रोड पे सो रहे हैं। अभी सरकार बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर अपने एसी वाले घर में 5 बीघा का जमीन लेके अकेले सो रही होगी, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों लोग को सोने के लिए जगह नहीं है जो रोड पे सो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्याएं इनके साथ क्या है, हम इनसे बात करेंगे। आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का समस्या है कि आप रोड पे जाके सो रहे हैं इतने खतरों का सामना करके? और रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत है हम लोग का, काम धंधा का मंदा है बहुत। अच्छा, आप क्या काम करते थे पहले? रोजगारी वाला काम करता था। हम लोग का रोड पर सोने का मुक्त यही है कि रहने को साधन नहीं है, समझे ना। जितना जो रन बसेरा था वो टूट गया, कमाने को भी साधन नहीं है। चाहे 2 दिन कमाइए तो 3 दिन बैठिए, बालू का बंदी है। न रिक्शा चल रहा है, न ठेला चल रहा है, न जुगाड़ हो रहा है, खाला बिना आदमी मर रहा है, समझे। सर सरकार का ही कमी है, बालू बंद नहीं रहता तो सब कोई कमाता, हम भी कमाते हैं। अब 2 दिन कमाइए, 1 दिन बैठिए, इससे बाल बच्चे को पड़ोसते चल जाएगा। जगह बिना आदमी फूट पाट पर सूत रहा है, मरने खतरा जीवन को रख के सूट।